यही है वो परम पावन भक्ति मुक्ति प्रदायक स्थल जहां लंकेश्वर रावण ने इस ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक संपूर्ण निष्ठा सहित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भगवती सीता जी सहित लक्ष्मण व भरत जी के साथ शिव आराधना करके श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया। श्री वैद्यनाथ धाम रामनेश्वर वैद्यनाथ मंदिर परिसर में 22 मंदिर हैं। इनमें से 21 सुंदर मंदिर अपने पूर्ण रूप में भक्तों का मन मोहते हैं, किंतु 22वां मंदिर भोलेनाथ की इच्छावश आज तक संपूर्ण नहीं हो पाया है। न जाने कब से और क्यों कर एक अजीब प्रथा प्रारंभ हुई जिसका अनुपालन आज भी इसी रूप में किया जाता है। वर्ष में सिर्फ शिवरात्रि को छोड़कर वर्ष के शेष 364 दिन नगर कारागार से भगवान भोलेनाथ के लिए सुंदर फूलों का मुकुट तथा अन्य सामग्री लेकर एक व्यक्ति तेज चलता हुआ श्रीधाम आता है। इसी सामग्री से मुख्य पुजारी सहयोगियों से भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं। उसके बाद आरती होती है जिसमें अनेक अनेक श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। फिर शयन मंत्रों सहित श्रीधाम के कपाट बंद हो जाते हैं। प्रातः 3 बजे से 4 बजे तक पुजारी गण श्री मंदिर की सजावट भगवान भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन करते हैं, जिसके बाद सरकारी पूजा होती है जिसके पश्चात साधारण भक्त पूजन कर पाते हैं। देवघर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्राचीन युगल मंदिर, जिसे नौलखा मंदिर कहा जाता है। निर्माण कला का यह मंदिर एक बेजोड़ नमूना है। इसे रानी चारुशिला ने उस समय लगभग 9 लाख की लागत से बनवाया था। वैद्यनाथ रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि तथा लंकेश्वर रावण की ये तपोस्थली रहा। यही स्थल कभी नागा की साधना व सिद्धि प्राप्ति का केंद्र रहा। ऐसी भी मान्यता है कि इसी स्थान पर जनक सुता भगवती सीता माता ने पवन पुत्र हनुमान जी की परीक्षा ली। उनकी तपस्या को हनुमान जी भंग किए थे। उसी समय जगत जननी सीता इस तपोभूमि में आती हैं, जिस समय वो राजा दशरथ को पिंडदान देने गया गई थी। रामायण का पहला पंक्ति में संस्कृत में श्लोक है आदो राम तपोवन आदि गमनु। चारों तपन को भ्रमण करते हुए राम सीता यहाँ पहुँचती है। उन्होंने हनुमान जी से यहाँ शक्ति परीक्षा का प्रमाण लेती है कि प्रभु तुमने ही रावण की तपस्या को इस तपोवन में जो भंग किया हो इसका क्या प्रमाण है। प्रमाण के लिए हनुमान जी कहते हैं माते आप तो आदि शक्ति भगवती हैं, सीते आप तो साक्षात दुर्गा है माँ, आप नहीं जानते हैं पत्थर के हर टुकड़े में मैं विराजमान हूँ। सीता जी की मैं न आदि शक्ति भगवती हूँ मैं मान गई, कली काल का मानव नहीं मानेंगी। तो जिस प्रकार उन्होंने अयोध्या में भक्ति परीक्षा अपना सीना फाड़ के दिखलाए थे मैं राम का भक्त हूँ, उसी प्रकार यहाँ शक्ति परीक्षा दिए है। 11 बार जय श्री राम बोलकर 1 बार इस कनिष्ठ अंगुली से पत्थर में इस तरह का दाग खींच दिए, ये शिला फटी हुई है। लगते हैं पत्थर को कोई आरे मशीन से चीरा हो। शिला 2 भागों में फटी है और दोनों पल्ले के बीचों बीच साक्षात हनुमान जी की आकृति छवि प्रकट हुए है, मूर्ति है। वर्तमान युग में इसी स्थान पर ब्रह्मचारी बालानंद जी महाराज ने सिद्धि प्राप्त की थी। इन्हीं के परम शिष्य ब्रह्मचारी महानंद ने यहाँ अपने गुरु का निर्वाण स्थल बनवाया है। यहाँ एक सुंदर शिव मंदिर भी है। देवघर से 18 किलोमीटर की दूरी पर वासुकी नाथ के रास्ते में त्रिकुटा पहाड़ी स्थित है। यहाँ एक सुंदर शिव मंदिर है जहाँ कांवरिये
वासुकीनाथ जाते हुए रुककर जल अर्पण करते हैं। यहाँ एक चित्त आकर्षक देवी मंदिर भी है। इसी पहाड़ी पर बाबा बम बम ब्रह्मचारी को भगवान शंकर ने दर्शन देकर देशाटन का आदेश दिया था। देवघर से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है महिमामयी वासुकीनाथ, जिसे बाबा फौजदारी भी कहा जाता है। सुल्तानगंज से चलने वाले कांवर यात्री गंगा जल के दो पात्र लेकर चलते हैं। एक पात्र का जल श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जाता है तथा दूसरे पात्र का जल श्री वासुकीनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग को अर्पित किया जाता है। श्री मंदिर के सामने ही स्थित है श्री शिव गंगा, जिसके प्रति ये विश्वास किया जाता है कि इसमें स्नान करने से अनेक अनेक चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। जब कभी इस जल को सुखवाया जाता है तो तल में श्री शिवलिंग के दर्शन होते हैं। आप भी देखिए, भगवान भोलेनाथ का अनुग्रह आप सभी दर्शकों पर बना रहे, यही हमारी कामना है। आइए हम सब मिलकर भगवान सदाशिव का ध्यान करें। चरण आहा
दुखिया के दुख हरहू।